इंटर में जो लिरिक्स स्टेटस वाला वीडियो देखिए, इस टाइप के वीडियो भी इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज्यादा वायरल है और भी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है, मतलब एडिटिंग सीखना है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा वीडियो ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलेगा दो और ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक इंटर वीडियो को ऐड कर लेना है, जो कि रहेगा 3 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद एक ब्लैक इमेज को यहाँ पर ऐड करना है। तो मेरा इंटर वीडियो एंड यहाँ पे ब्लैक इमेज ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। एंड इस वीडियो में जितना भी मटेरियल वगैरह ऐड होगा, सबका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो इंटर वीडियो, फोटो एंड सॉन्ग वगैरह, फॉन्ट सब कुछ, ठीक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अब क्या करना है, जैसे ये दोनों मतलब दोनों चीज़ ऐड कर लेते हो, इंटर वीडियो एंड ब्लैक इमेज, उसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे सॉन्ग ऐड करना है, जो भी आपको सॉन्ग पर वीडियो क्रिएट करना है वो सॉन्ग को यहाँ पर ऐड करना है। तो इंटर में जो सॉन्ग सुने वही वाला सॉन्ग को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा म्यूजिक वाला ऑप्शन ऊपर में, यहाँ पे क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस के ऊपर क्लिक करना है। माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना, आपको सॉन्ग में बीट मार्क ऐड करना है लिरिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बीट मार्क ऐड करने के लिए आपको सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा बीट वाला ऑप्शन, यहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट मार्क ऐड करना है। तो स्टार्टिंग से आपको सॉन्ग को सुनना है, ओके। तो चलिए हम सुनते हैं। तो देखिए, तो मेरे जो सॉन्ग का पहला जो लिरिक्स है यहाँ से मेरे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बीट मार्क ऐड करना है कुछ इस तरह से, एंड यही लिरिक्स जो है जहाँ खत्म होगा वहाँ पे जाना है एंड बीट मार्क ऐड करना है। तो देखिए, तो मेरा पहला जो लिरिक्स है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे बीट मार्क ऐड करना है, सेकंड लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बीट मार्क ऐड करना है, अगेन आपको प्ले करना है, देख सकते हैं यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे बीट मार्क ऐड करना है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बीट मार्क ऐड करना है सॉन्ग में। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगेन डन के ऊपर क्लिक करना है, एंड ये जो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो इंटर वीडियो है, आपको ये फर्स्ट जो बीट है यहाँ तक कर लेना है। तो इसका ड्यूरेशन लॉन्ग है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्पीड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड स्पीड का जो वैल्यू है आपको हल्का सा बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये जो है इसका ड्यूरेशन मतलब इंटर वीडियो का ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा, देख सकते हो मेरा हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेने, उसके बाद ये जो ब्लैक इमेज है इसका ड्यूरेशन सॉन्ग के अकॉर्डिंग इस तरह से कर लेने, जितना सॉन्ग का ड्यूरेशन रहेगा उतना आपको कर लेना है, ठीक है, देख सकते हो चुका है। उसके बाद अब क्या करना, आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा हो जाएगा, ओके। उसके बाद अब क्या यहाँ से आपको फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे मिलेगा पी आई पी वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मिलेगा दो और ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो फोटो वाला ऑप्शन में जाना है एंड एक यहाँ पे कपल वाला फोटो को ऐड करना है, देख सकते हो मैंने कर लिया। एंड इसका साइज आपको फुल स्क्रीन पर इस तरह से कर लेने, एंड जो इसका ड्यूरेशन है वीडियो के लास्ट के इस तरह से कर लेने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा क्रिएट करना है शेड वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा मास्क वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ये जो 3 नंबर जो ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो एरो मिलेगा देख सकते हो ऊपर एंड नीचे, मतलब ऊपर एंड ये राइट साइड में ये जो एरो मिलेगा, ये एरो को इस तरह से इधर कर लेने इस साइड, ठीक है, मतलब छोटा कर लेने फोटो में, एंड ऊपर वाला जो एरो है ये एरो को नीचे कर लेने इस तरह से, एंड फोटो को छोटा कर लेने इस तरह से कर लेने। उसके बाद अब क्या करना है, चारों तरफ फोटो का जो चारों तरफ है आपको शेडो क्रिएट करना है। अब तो शेडो क्रिएट करने के लिए आपको नीचे जो एरो मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट जैसा, ये एरो को हल्का सा आपको नीचे इस तरह से स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे। तो देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे शेडो क्रिएट हो चुका है मेरा, ठीक है। उसके बाद और अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले छोटा कर लेना है ये फोटो को इस तरह से, एंड इस तरह से स्क्रॉल करना है, चारों तरफ जो शैडो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेने। तो उसके बाद अब क्या करना है, आपको अलग अलग फोटो ऐड करना है। तो जो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो बीट है यहाँ पे है, उसके बाद सेकंड वाला बीट मेरा यहाँ पे है, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाना, उसके बाद फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ये फोटो को आपको स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद आपको थर्ड वाला जो फोटो है यहाँ पे आ जाना है एंड ये फोटो को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्प्लिट करते जाना है बिट के अकॉर्डिंग, ओके। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे फोटो को रिप्लेस करना है बस, तो पहला वाला फोटो इस तरह से रख देना है, उसके बाद सेकंड वाला फोटो में जाना है एंड यहाँ पे मिलेगा रिप्लेस वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको अलग सा कपल वाला फोटो को यहाँ पर ऐड करना है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको अलग अलग फोटो ऐड करना है रिप्लेस करके, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे लिरिक्स वगैरह ऐड करना है एंड इमोजी वगैरह ऐड करना है, तो वो चीज़ करने के लिए यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे चल जाना है इस जगह पे, पहला जो बीट है यहाँ पे चल जाना है। उसके बाद यहाँ पे टी वाला ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, टी प्लस के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इमोजी ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसका जो फॉन्ट रहेगा आपको iOS 16 वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है, ये वाला फॉन्ट। तो फॉन्ट वगैरह इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसको डन के ऊपर क्लिक करना है एंड इसका जो साइज आपको हल्का सा छोटा कर लेना है। उसके बाद यहां पे ऊपर में इस जगह पे सेट करना है, इस जगह पे, ठीक है। एंड इसका ड्यूरेशन वीडियो के लास्ट तक इस तरह से कर लेना है, ठीक है। एंड ये वाला जो इमोजी है आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड जो कॉपी वाला इमोजी है आपको नीचे इस जगह पे सेट करना है, इस जगह पे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब क्योंकि आपको यहाँ पे में लिरिक्स लिखना है अब, ठीक है। तो लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग में, टी प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड सॉन्ग का जो पहला लिरिक्स है आपको लिख लेना है। तो सॉन्ग का पहला लिरिक्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप में लिख कर रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते मैंने कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करना है अब, तो यहाँ पे सबसे पहले कलर वाला ऑप्शन जाना है, जो भी आपको कलर रखना है जैसे कि येलो हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ये सब अगर आपको कलर रखना है तो वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाइट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट में जाना है कुछ इस तरह से, डबल ए वाला ऑप्शन में, एंड जो फॉन्ट रहेगा आपको रूथिकोस वाला ये फॉन्ट को ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। साइज को आपको हल्का सा छोटा कर लेना है एंड यहाँ पे नीचे में इस जगह पे करना है सेट। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन में क्लिक करना है और इन एनिमेशन में आपको देख सकते हैं ये जो फर्स्ट नंबर जो एनिमेशन मिलेगा इसको ऐड कर लेने कुछ इस तरह से एंड इसका टाइम ड्यूरेशन एकदम फुल कर लेने कुछ इस तरह से एंड आउट एनिमेशन आपको ऑफ रखना है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है एंड जो पहला बीट है यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना है एंड जो सेकेंड बीट है यहाँ पर है तो यहाँ तक इसका ड्यूरेशन को कर लेना है एंड एडिट वाला ऑप्शन में जाना है एंड जो उसके बाद वाला लिरिक्स है उसको यहाँ पर कॉपी करके ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये देख सकते हो एंड अगर स्पेस देना है तो ये भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरा लिरिक्स को एक एक करके लिख लेना है। तो चलिए जल्दी से हम ये चीज को कर लेता हूं। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा लिरिक्स को लिख लिया हूं। तो इस तरह से आपको एक एक करके कर लेने, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से आपको कर लेने। उसके बाद अब क्या करना है आपको फोटो में, मतलब पूरा वीडियो में आपको एनिमेशन अब ऐड करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला एनिमेशन को जो इंटर में आप देखे, ठीक है। वो एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को करना है सेव। तो सेव करने के लिए ऊपर मिलेगा सेव वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड सबसे पहले इस वीडियो को करना है सेव। तो मेरा जो वीडियो पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो यार देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरह से आपको सेव कर लेने। उसके बाद यहाँ पे बैक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ब्लैक इमेज है इसको करना है डिलीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो हम सेव किए उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन में जाना है एंड वीडियो वाला ऑप्शन में जाकर उस वीडियो को करना है यहाँ पे ऐड, ठीक है। ये वीडियो मेरा ऐड हो चुका है। उसके बाद ये जो इंट्रो वाला वीडियो है इसको भी करना है यहाँ पे डिलीट, ठीक है। वीडियो एंड जो सॉन्ग का ड्यूरेशन है एकदम मैच हो चुका है, तो इस तरह से कर लेने। एंड जो वीडियो का जो साउंड रहेगा सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीट मार्क के अकॉर्डिंग देख सकते हो मेरा पहला जो बीट है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाना है एंड वीडियो को करना है स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बीट में आ जाना है, सेम आपको करना है यहाँ पे स्प्लिट। थर्ड वाला बीट में आ जाना है, सेम आपको करना है यहाँ पे स्प्लिट। तो इस तरह से आपको
मतलब बीट के अकॉर्डिंग वीडियो को इस बीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना आपको इस वीडियो में, मतलब ये फोटो में आपको एनिमेशन ऐड करना है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला जो इंट्रो वाला वीडियो है इसको छोड़ देना है, सेकंड में आ जाना है कुछ इस तरह से, एंड आपको बीच में चल जाना है कुछ इस तरह से बीच में, ठीक है, मतलब मिडिल में। उसके बाद एक प्लस यहाँ पे कर लेना है, देख सकते हैं की फ्रेम, मतलब ऐड कर लेना प्लस। उसके बाद स्टार्टिंग में जाना है एंड ये जो वीडियो है आपको ये वीडियो को ऊपर कर लेना है, ठीक है, इतना। उसके बाद यहाँ पे चल लेना है, उसके बाद यहाँ पे कर्व देना है, तो ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स। एकदम लास्ट पे जाना है, यहाँ पे मिलेगा इज वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको ये वाला कर्व को ऐड करना है, देख सकते हो, ठीक है। साउंड को हम यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ, कॉपीराइट ना आ जाए, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनिमेशन ऐड करना है। उसके बाद आपको सेकंड वाला क्लिप में चल लेना है कुछ इस तरह से, बीच में चल लेना है एक प्लस यहाँ पे, स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो को नीचे कर लेना है एंड इस जगह पे जाना है एंड आपको कर्व ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। सेम आपको थर्ड वाला क्लिप में जाना है, बीच में चले जाने के बाद यहाँ पे प्लस, स्टार्टिंग में जाना है एंड ये वीडियो को आपको ऊपर कर लेना है एंड यहाँ पे जाकर यहाँ पे करना है कर्व ऐड, ठीक है। सेम आपको इसमें जाना है, प्लस करना है एकदम नीचे एंड यहाँ पे कर्व ऐड, ठीक है। सेम आपको लास्ट वाला में जाना है कुछ इस तरह से, इसको करना है ऊपर एंड यहाँ पे करना है कर्व ऐड, ओके। तो देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इंट्रो से एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यार मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल पर जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको, ओके। एंड अब क्या करना, इस वीडियो को करना है सेव, सेव के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेम रेट है इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव करना है। तो मेरा जो वीडियो पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।